नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं एमपी उत्कर्ष पर। कैसे हैं सब लोग? कैसा मन रहा है त्यौहार व्यवहार? चलिए अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए। त्यौहार इसीलिए आते ताकि जीवन में जो है उत्साह बना रहे, ठीक है? मतलब हम लगातार अपने जीवन में एक ही जैसा काम करते करते कुछ नया आ जाए, इसके लिए जो है वो जीवन में त्योहारों का महत्व। बचपन से हम निबंध लिखते आए ना हिंदी में कि जीवन में त्योहारों का महत्व। कितने लोगों ने जीवन में जो है त्योहारों के महत्व पर निबंध लिखा है। चलिए खैर, वो एक अलग बात है। और सब बढ़िया, राजी खुशी? चलिए सभी को नमस्कार है भाई। और मैं जो है वो बिल्कुल कहानी की शुरुआत करते हैं। आज हम बिल्कुल सिंसियरली पढ़ेंगे, है ना? कमेंट्स पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं, आपको पता है, ठीक है? चलिए तो आज करते हैं कहानी की शुरुआत। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना? प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है ये आपको बताना है। सबसे प्राचीनतम, इसको देखो। आंसर बताना है, जल्दी बताओ। तो आप सभी को पता है वैदिक संस्कृत है ना? वैदिक संस्कृत है। इसका कारण आप सभी को ये भी अच्छे से पता है कि संस्कृत से ही जो है वो क्या क्या बनी। संस्कृत से ही, संस्कृत दो प्रकार की थी, वैदिक और फिर लौकिक। संस्कृत से ही पाली बनी और पाली से ही प्राकृत बनी और प्राकृत से ही अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से ही जो है वो अवहट्ट बनी और अवहट्ट से जो है वो आपका क्या बनी, अवहट्ट से आपकी हिंदी बनी, ठीक है? अवट से क्या हिंदी बनी। ये संस्कृत में पहले नंबर पे संस्कृत को दो भागों में बांटा है, एक तो वैदिक और दूसरी लौकिक, ठीक है? लौकिक तो वैदिक और लौकिक। अच्छा ये बताओ, वेद किस संस्कृत में लिखे गए, वैदिक में या लौकिक में? और रामचरितमानस किस, सॉरी, रामायण किस में लिखी गई? क्योंकि रामचरितमानस तो बाद में आई थी, तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आप सभी को पता है कि बहुत सरल है। गुरु आ रहा है, अपने से सम्मानजनक शब्दों के लिए हम जो है वो काय का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन का प्रयोग, अभी मैंने एक, आपने मेरा रील देखा होगा, उसमें मैं एक बात बताऊं, रील्स जरूर देखना मेरी, अभी जो दो तीन रील्स डलेगी, है ना? उन रील्स में मैं एक वचन, बहुवचन और दोनों में, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो रील्स जरूर देखना, ठीक है? अभी जो एमपी उत्कर्ष पे डलने वाली है, ठीक है? ये डल गई है, जो डल गई है या डलने वाली है, उसमें जो है आप एक वचन, मैंने वचन वाला मामला खत्म कर दिया, वचन तीनों समझा दिए कि सदैव एक वचन कौन से होते हैं, सदैव बहुवचन कौन से होते हैं और जो दोनों में सदैव समान होते हैं ये कौन से होते हैं। तीन रील में तीन चीजें बताई है मैंने, ठीक है? तो वो जरूर देखना। चलिए तो आप सभी को पता है कि आदर सूचक शब्द, आदर सूचक या सम्मान प्रकट करने के लिए जो है हम बहुवचन शब्द का जो है वो प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो ये तो नहीं आएगा, गुरु आ रहा है ना? अब गुरु आ रहे हैं तो भाई साहब ये बड़ाऊ गुरु में आता ही, मतलब बड़ाऊ तो आता है लेकिन गुरु आ रहे हैं क्या है? गुरु जी सम्मान लगाओ थोड़ा, ये भी गुरु आ रहे हैं, ठीक है? ये इसमें छोटाऊ बड़ाऊ कर दे, गुरु जी आ रहे हैं, तो आंसर जो है वो आपका है ये आएगा, कौन सा? डी फॉर डुग्गू। चलो कि नहीं आएगा डी फॉर डुग्गू, नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ पर सी फॉर चिरकुट आएगा, क्योंकि ये गुरु छोटा जो है वो गलत है ना? गुरु आ रहे हैं, गुरु में हमेशा छोटा हुआ आता है। शुद्ध वाक्य ढूंढना है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बहुवचन तो है, ये गुरु में छोटा हुआ आता है, ये गलत है, ठीक है? अगला ये बताना आपको, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है, जल्दी बताओ।
कामता प्रसाद भाई साहब ने क्या बताया। आप सभी को पता है वैदिक संस्कार वो अलग है ना, ये अलग है। चलिए आंसर दीजिए। आप ऑप्शंस चाहते थे ना कि सर ऑप्शंस वाले लेकर आओ, लो मैं ऑप्शंस वाले लेकर आया। खुश? बिल्कुल। तो भैया सौर सैनी के बाद नागर आई, नागर के बाद पश्चिम आई, वर्तमान आई, तो बिल्कुल सही आंसर तो इसका जो है वो ए फॉर एप्पल ही आएगा। 1 2 3 4 बहुत बढ़िया कि सौर सैनी आई, फिर नागर अपभ्रंश आया है ना, और फिर पश्चिम हिंदी आई और फिर वर्तमान हिंदी आई। ठीक है, चलो अगला। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है आपको। आंसर बताना है भाई साहब। सोचो समझो और आंसर दो। उसने अपने कमाई का अधिकांश भाग देखिए, ये भाग शब्द नहीं आएगा, उसका कारण है कि अधिकांश में ही भाग समाहित है, सेम टू सेम कहानी, ये भाग है ना, तो ये नहीं आएंगे भाई, ये भाग बिल्कुल नहीं आएगा। इसी में जो है वो अधिकांश शब्द समाहित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा डी फॉर डुगो। मैंने आपसे कहा ना व्याकरण प्लस साहित्य दोनों चलेगा, ये व्याकरण चल रहा है, अब साहित्य आएगा। ये लो, एक व्याकरण का क्वेश्चन, एक साहित्य का क्वेश्चन, लगाते जाओ। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताओ। देखो आचार्य रामचंद्र, ये वाला जो है आदिकाल वाला जो शब्द है हिंदी साहित्य का आदिकाल, वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये जो बताओ, ये सब बताओ कि आदिकाल वाला जो है वो कब रिलीज हुआ था, मतलब कब प्रकाशित हुआ था, जबकि इनके और भी ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। एक तो है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और ये रिलीज हुआ था कब? तो हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 है ना, एक तो ये है। इसके अलावा हिंदी साहित्य की भूमिका कब रिलीज हुआ था बताओ जल्दी से। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका कब रिलीज हुआ था? 52 है ना, तो 1940 में है ना। रामचंद्र शुक्ल ने तो क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1929 में रिलीज हुआ था है ना। और नलिन विलोचन शर्मा ने तो हिंदी साहित्य का दर्शन, अब आपको ये बताना है कि ये दर्शन कब, ये नहीं बताऊंगा, बाकी सबके सन बता दिए, 52 40 है ना, ये 1929 ननिल विरोचन शर्मा का है। हिंदी साहित्य का दर्शन कब रिलीज हुआ था, सन बताओ करेक्ट, बिल्कुल। हिंदी साहित्य का
साहित्य इतिहास दर्शन, ठीक है, ये कब लिखा था बताओ जल्दी से, इतिहास दर्शन कब रिलीज हुआ था मतलब। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य है बताओ, शुद्ध वाक्य बताना। थोड़ा सोच समझ के आंसर दो, पढ़ो और पढ़ने के बाद सोच समझ के आंसर दीजिए। तो आप सभी को पता है कि ये जो है प्रभारी ऐसा नहीं आता, प्रभारी ऐसा आता है, तो ये गलत है, ये सही है। 31 ये भी वर्तनी की त्रुटि है, ये भी गलत है, ये आपका 31 ऐसा आएगा, है ना। और इस वर्ष पहाड़ों में जमकर तुषारपात हुआ, तो बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है, यही आएगा, सी फॉर चिरकुट। और हतोत्साहित नहीं होता, हतोत्साह होता है, हतोत्साह ये होता है, हतोत्साह, ठीक है। चलो अगला, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया बताओ, पहले किस कृति की भूमिका में लिखा गया, फटाफट बताना है आपको। आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 में रिलीज हुआ है ना, और ये जिस भूमिका में लिखा गया वो भूमिका थी आपकी कौन सी, हिंदी शब्द सागर की, हिंदी शब्द सागर के नाम से बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास अलग से लिखा गया। चलिए अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, एक वाक्य अशुद्ध है ये बताना, कौन सा अशुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो भाई को लगाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं भी लगाओगे तो भी सही है, तो आंसर आपका जो है वो यही आएगा, को लगाने की जरूरत नहीं, राम सीता लक्ष्मण वन गए, ठीक है, उसकी आंखों से आंसू निकल गए पड़े हैं, है ना, और अपनी महत्ता से सभी लोग परिचित है, बिल्कुल सही है, आंसर बी फॉर मेरा बोलू आएगा, तेरा बोलू नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न, आंसर दीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने यह बात किसी बहुत बार करवाया मैंने ये प्रश्न, रीतिकाल के कवि की बात है, अब रीतिकाल में केवल इनमें से आप सभी को अच्छे से पता है एक ही कवि आता है और वह है घनानंद। अच्छा ये बताओ घनानंद रीति मुक्त कवि थे या रीतिबद्ध कवि थे, जल्दी से कमेंट करके बताओ, रीति मुक्त थे कि रीतिबद्ध थे, क्योंकि देखो कबीरदास है ना, तो ये आदिकाल के अंत में, ये आपके किस में भक्ति काल में, और ये आपके आधुनिक युग में, रीतिकाल का कवि यही है, ठीक है। घनानंद, इनकी प्रेमिका का नाम क्या था बताओ जल्दी से, घनानंद की प्रेमिका का नाम। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बाघ और बकरी, आपने वो एक वो भी सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, बाघ बकरी चाय, जहां पर मतलब उसका नाम बाघ बकरी क्यों रखा मेरे को बाद में समझ में आया, ठीक है, बाघ बकरी चाय उसका नाम क्यों रखा, सोचो बाघ बकरी क्यों रखा होगा,
तो भैया बहुवचन है ना, बाघ और बकरी, तो बिल्कुल सही, पीती है नहीं पीते हैं, दो है ना, एक और एक बहुवचन है, तो बहुवचन के हिसाब से गृह आएगी। बाघ और बकरी एक वचन है ना, बहुवचन है तो पुल्लिंग हो जाएगा, पीते हैं, एक होता था एक। मतलब चाय पे लोग बैठते हैं ना बराबर से, तो बाघ और बकरी को एक साथ बिठा सकते हो, मतलब अगर आपको हो सकता है सामने वाला बकरी हो आप बाघ हो, उससे बात कर सकते हो तुम, ठीक है। तुमको क्या लगता है क्या लॉजिक रहा होगा बाघ बकरी चाय का नाम रखने में? हाँ, इसके बाद आपको पता है ना कि शिक्षा महोत्सव मना रहा है उत्कर्ष, और उत्कर्ष में शिक्षा महोत्सव में आपका शिक्षा महोत्सव 13 से शुरू हुआ था, 21 तक चलेगा, तो जो है वो इस शिक्षा महोत्सव का लाभ लेना ना भूले। स्वतंत्रता दिवस 78वां है, इस वजह से 78% डिस्काउंट है ना, तीन तीन छूट है इस बार, ठीक है। निर्मल सर का बर्थडे था 13 अगस्त को, इसलिए 13% छूट का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट पाने के लिए आपको NG13 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, और रक्षाबंधन है इसलिए 100% रिवार्ड पॉइंट्स जो मिलते हैं आपको वो है, तो एक नहीं दो नहीं तीन, मध्य प्रदेश ऐप में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर जो है तो शिक्षा महोत्सव चल रहा है, ये ऑफर आप जो है तीन तीन ऑफर का लाभ लेना ना भूले, आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ घर बैठे जीत की शानदार तैयारी, ठीक है। चलिए अगला, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बिल्कुल सही, चिंतामणि ने काव्य प्रकाश लिखा, बिल्कुल सही है, ये रस राज लिखा है इन्होंने, रस रहस्य नहीं, रस राज। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ रस रहस्य किसने लिखा, है ना, और ये भूषण की तो शिवा वाहनी है, तो ये बताओ है ना, भूषण की तो क्या है, शिवा वाहनी, तो अंग दर्पण नहीं लिखा, अंग दर्पण किसने लिखा है जल्दी से बताओ, ये भूषण की है शिवा वाहनी, है ना, और रसलीन ने जो लिखा है वो लिखा है रस प्रबोध, रस प्रबोध, ठीक है, रस प्रबोध लिखा रसलीन ने, तो आंसर ये सही है। आप मुझे ये बताओ रस रहस्य किसने लिखा, रंग दर्पण किसने लिखा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया, बताओ। बिल्कुल, पहले कह दिया कि पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं है, उसको हम प्रत्युक्त कहते हैं। विवृत्ति कब कहते हैं, कि किसी कही गई बात या लिखी गई बात को अपनी बुद्धि के प्रसंग अनुकूल अर्थ स्थिर कर देते हैं, है ना, बुद्धि के अनुकूल उसे कहते हैं। और प्रत्युत्तर तो आप सभी को पता है, उत्तर मिलने पर दिया हो उत्तर, उत्तर मिलने पर दिया उत्तर, और प्रत्युच्चार किसको कहते हैं, पुनः उच्चारण करना, कौन सा, ये विवृत्ति। विवृत्ति तो क्या होता है, कोई बात कही हो या लिखी हो अपनी बुद्धि से, कोई अर्थ स्थिर, बुद्धि से जो अर्थ लगाना है ना उसको कहते हैं विवृत्ति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक, बहुत सारे लोग इसमें गच्चा खाते हैं,
तो भाषा संवर्धन ही सबाब बाबू तोताराम आएगा भाई। ये जो लोग समझ रहे हैं ना भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो गलत नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहली कविता संवर्धनी सभा जो है वो आपकी 1870 में जो है वो काशी में स्थापित की थी, काशी में स्थापित की थी, काशी में। ठीक है, चलिए अगला। अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ बताना है आपको। अज्ञ का अर्थ, ठीक है, अज्ञ का अर्थ, तो अज्ञ उसको ही कहते हैं जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, है ना, और जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, और जो जानता भी हो और नहीं भी जानता, ये कौन सी बात है। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, विज्ञ किसे कहते हैं और भिज्ञ किसे कहते हैं? आप कमेंट करके मुझे बताओ, विज्ञ किसे कहते हैं और भिज्ञ किसे कहते हैं? चलिए, क्योंकि अनभिज्ञ को तो मतलब होता है, है ना, और अभिज्ञ, ये बताना है, ये तीन का जवाब देना है। क्योंकि देखो अनभिज्ञ तो यही होता है ना। चलो इसका मैं बता देता हूं, जो जानकार होता है, जानकार उसको कहते हैं, ठीक है, अभिज्ञ और विज्ञ बताओ आप। चलिए अगला प्रश्न। समालोचन शीर्षक से एस्मे क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? जल्दी बताओ। समालोचन के शीर्षक से एम से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? अब देखो ये अनुवाद करके चले गए, अपने को टेंशन लेना पड़ रहा है तुमको और मेरे को, इनको जो करना था कर दिया। चलिए, तो आप सभी को पता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था कब? 1897 किया था, पद्यात्मक अनुवाद किया था, चलिए अगला। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करे, बताओ, ऐसा कवि तत्काल कविता करे उसको क्या कहेंगे? देखिए साहित्य तो तुम लोगों ने रट दिया है, अब इनका क्या करोगे? ये तो करना है ना, तो क्लास अटेंड करो, ठीक है। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द है, वो है आशु कवि। देखिए एक भगवान का नाम है, वो है आशुतोष, है ना, बताओ किसका नाम है आशुतोष, है ना। सारे राक्षस उसी भगवान की तपस्या करते हैं, क्योंकि आशु का मतलब होता है शीघ्र। राक्षसों को भी पता है शॉर्टकट किधर है, है ना, राक्षसों को भी पता रहता है शॉर्टकट किधर है, कम तपस्या में ज्यादा फल मिले, इसलिए वो इस भगवान की तपस्या करते हैं, है ना। तोष का मतलब संतुष्ट, है ना, जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए, ऐसा कौन है, है ना। आशु मतलब शीघ्र, है ना, तो वो है शिवजी। आपने देखा हो ना राक्षस शिवजी की तपस्या करते, भोले भाले भंडारी है, जल्दी हो जाते प्रसन्न, ठीक है। ऐसे ही आशु मतलब शीघ्र, जो तत्काल कविता रच दे, है ना, महाकवि, तो कवियों का कवि, महाकवि सर्वश्रेष्ठ कवि, है ना, महान कवि या सर्वश्रेष्ठ कवि, ठीक है, उसको महाकवि कहते हैं। सुकवि मतलब सुंदर कवि, अच्छा, जिस तरह से हम बोलते हैं उस तरह से तू लिख, और उसके बाद भी हमसे तू बड़ा दिख, बताओ ये पंक्ति के रचनाकार कौन है?
जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। बताओ इस पंक्तियों के रचनाकार। हाँ हाँ वही कि जिस तरह से हम बोलते हैं उस तरह से तू लिख, उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही, भवानी प्रसाद मिश्र, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनमने से जंगल, इनकी ही रचना है। भवानी प्रसाद, देखो आप सभी को पता है गीत फरोश लिखी है इन्होंने, है ना। गीत फरोश ऐसी है कि एक कवि जो है ना, गीत फरोश है इनकी, है ना। इसके बाद गांधी पंचसती है, और बताओ इनकी कौन कौन सी। गांधी पंचसती, और गांधी पंचसती, इसके बाद जो है खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला बताओ। बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, है ना। खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, ठीक है। बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, है ना। त्रिकाल संध्या, मतलब जिस तरीके से, मतलब गीत फरोश में लिखा कि गीत एक कला है, लेकिन कवि भूखा मर रहा है, उसको इतना मजबूर हो गया है उसको रोजगार के लिए कि गीत अब अपने हिसाब से नहीं, कस्टमर के हिसाब से, मतलब जो सुनने वाले उनके हिसाब से लिखना पड़ रहा है। तो गीत फरोश गीतों को बेचता हुआ। चलिए अगला। जिसकी आशा की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसकी आशा की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, बताओ कौन सा। तो जिसकी आशा ना की गई हो ऐसी घटना को अप्रत्याशित घटना कहते हैं। आगे की सोचने वाला, अग्रसोची, आशातीत जो उसको कहते हैं, जो आशा से परे हो। अग्रसोची मतलब आगे की सोचने वाला। अगला, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा बताओ। इनमें से कौन सा कवि जो नई कविता से संबंध नहीं रहा। चलिए, तो आप सभी को पता है कुंवर नारायण, है ना, कि नेमीचंद जैन, भाई साहब नेमीचंद जैन, है ना, ये प्रयोगवादी कविता से संबंध नहीं रहा। नेमीचंद जैन प्रयोगवादी, प्रयोगवादी में आता है ना, ठीक है। चलो
जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, बताओ क्या आएगा? स्थावर, जो स्थिर है भाई। सदावर तो जहां जहां खाना मुफ्त में बंटता हो, पुरस्कृत पुस्तक में हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, डॉक्टर कैलाश नाथ वाजपेयी की है। डॉक्टर कैलाश नाथ वाजपेयी की है, ये आपको पता है ना? इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको 2009 में, हवा में हस्ताक्षर 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी और भी रचना है, जैसे कि शब्द संसार, बताओ और कौन कौन सी रचना है? शब्द संसार, तीसरा अंधेरा, ठीक है। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, बताओ जल्दी से। तो आप सभी को पता है ये आपका अजात शत्रु है ना? अजात शत्रु है ना, जो शत्रुओं पर भारी हो वो शत्रुघ्न। अच्छा, अजन्मा किसको कहेंगे? अजन्मा, एक तो होता अजन्मा और एक होता अजय, है ना? तो जिसका जन्म ना हुआ हो वो अजन्मा, और जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजय। चलिए, तो एक ये बताइए, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से, है ना, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना अभी हाल थोड़ी देर पहले बताया था, याद कर। चलो, तो अभी हाल बताया था ना, हवा में हस्ताक्षर 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है? हाँ, इसको मिला था, बाकी को नहीं मिला था, ठीक है। और साहित्य पुरस्कार में आप मुझे ये बताओ कि राग दरबारी, जिसको उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का, कब मिला था? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, कमेंट करके बताओ राग दरबारी को। चलो, अगला प्रश्न, जिसकी जिसके पेट में मां ने रस्सी से बांध दिया हो, बताओ कौन सा? हाँ हाँ बिल्कुल, राग दरबारी को 1969 में मिला था राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। दामाद थोड़े ना होता, दामाद को रस्सी से बांधते हैं क्या, है ना? उसको कहते हैं दामोदर। देखिए क्या होता है, दाम का मतलब होता है यहाँ पर रस्सी, है ना, और उदर, उदर का मतलब होता है पेट। तो दामोदर, तो जिसका पेट रस्सी से बांध दिया उसको। वैसे दामोदर ज़्यादातर उपयोग गणेश के लिए किया जाता है, पर विष्णु का भी तो पेट बंधा होता है, तो विष्णु को भी दामोदर कहते हैं, है ना? हाँ, चल अगला, भाषा योग वशिष्ठ, ये क्वेश्चन मैंने ही 3-4 बार करवा दिया आपको, बहुत फेमस है, बताओ भैया। चलो, भाषा योग विशिष्ट है ना, बताओ जल्दी से। आप सभी को पता है गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं, है ना? और अगर देखा जाए तो मूलतः पंजाबी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में लिखी गई है ये। मूलतः किस में लिखी गई है? एक तो पंजाबी है ना, ब्रज भी है और खड़ी बोली भी है,
इन तीनों को मिलाकर लिखी है, और लिखने वाले कौन है? निरंजनी, ये सदल मिश्र वही है नासी के तो पाख्यान, और ये मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर वाले है ना, और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताओ कौन सी लिखी। चलिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए, तद्भव है ना, तद्भव बताना। भाई साहब तद्भव शब्द ये है बांझ, क्योंकि इसका आपका बंध्या आएगा तत्सम है ना, और ये तो आपका जो है ये चमचा शब्द जो है चमच से बना है ना, ये विदेशी शब्द है, और आसमान जो है वो फारसी शब्द है, फारसी के आसमा से बना है, आसमा है ना, तो ये दोनों के दोनों आपके कौन से शब्द हैं? तो विदेशी शब्द है, विदेशी भाषाओं के शब्द है, और वो तो आपका योगिक शब्द है, बल और वान प्रत्यय से बना है। अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? जल्दी बताओ। आप सभी को पता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई थी, 1800 में कहां पर हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी, कोलकाता, कोलकाता में हुई थी, ठीक है। और करने वाले कौन थे? कोलकाता में हुई थी, लॉर्ड उस समय जो तत्कालीन लॉर्ड मतलब जनरल लॉर्ड कौन थे? तो वेले जली थे, वेले जली है ना, वेले जली थे है ना। कुछ लोगों ने, आप सभी को पता है, इस संस्थान को भारत को आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना है ना, और वैसे अगर देखा जाए तो किसके निर्देशन में हुआ था? तो गिलक्राइस्ट के, हालांकि ये भी थे लेकिन पहले प्रोफेसर यही थे, गिलक्राइस्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो चौथा का तत्सम शब्द क्या आएगा? चौथा का तत्सम शब्द, तो आप सभी को पता है चतुर्थ आएगा, चौथा का तत्सम शब्द आएगा चतुर्थ, और चतुष्पद का मतलब चौपाया है ना, इसको क्या बोलते हैं? चौपाया, और ये चतुष ये तो चौखट को कहते हैं, क्या कहते हैं? चौखट, और ये चौक है ना। चलिए आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ ये बहुत बार पढ़ा चुका हूं, सबको पता है परिवार में पति पत्नी के अलावा दो लड़के और एक लड़की है, ये कथन सही नहीं है, है ना, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है, है ना, है ना, इसमें पति का नाम महेंद्र है और पत्नी का नाम सावित्री है ना, जीवन से बेहतर और महत्वपूर्ण आयाम से जुड़ नहीं सकते। मोहन राकेश का ये नाटक है, बताओ कब रिलीज हुआ था? डेट बताओ कमेंट करके कि आधे अधूरे कब रिलीज हुआ था। चलिए और ये एक इतना ही प्रश्न रखेंगे अपन, है ना, छुट्टियों का त्यौहार है, पढ़ाई भी हो गई और पढ़ भी लिया है ना, इतना ही रख लेते हैं आज। ये आखिरी प्रश्न जल्दी बताओ, देखो ये गयंद जो है वो है तो अपभ्रंश भाषा का, है तो अपभ्रंश भाषा का, लेकिन उसको तद्भव के रूप में स्वीकार किया। अंगना का मतलब होता सुंदर स्त्री है ना, सुंदर स्त्री, ठीक है। अंगी का मतलब होता शरीर युग, मतलब शरीर धारी, और वानर का जो है वो मतलब होता है बंदर, है ना। तो ये इतना ही है, अपन जो है वो आज इतना ही रख लेते, त्योहारों का मौसम है, पढ़ाई भी हो गई हमारी,
और हमने सब कर लिया, ठीक है। तो आज अपन इतना ही रख लेते, ठीक है, पढ़ लेते हैं अभी, कल भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। पढ़ाई में देखो, एक ये इस क्लास का एक ही उद्देश्य है, केवल और केवल एक उद्देश्य है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। मतलब त्यौहार मनाए, मैं भी आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि यार त्यौहार के टाइम पे भी सर जो है वो छोड़ नहीं रहे, बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि त्यौहार खत्म होते से ही कि अब क्या करें, है ना, फिर रोटेशन बनाने में, मतलब आपकी लिंक ना टूटे, ठीक है। फिर रोटेशन बनाने में फिर क्या है कि बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है बाकी का आप त्यौहार खुशियों को मनाएं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।